ये दोनों वीडियो बहुत ध्यान से पढ़िएगा 11th क्लास स्टूडेंट, आपका चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लासिकल। व्हाट इज द मीन ऑफ क्लासिकल, यानी प्रारंभिक परमाणु मॉडल। इसमें चार महानस्थियों के नाम आए थे, जेके थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर और सोमरफेल्ड। तीन फंडामेंटल पार्टिकल बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। खोजकर्ता बताए थे ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के बताए थे चैडविक। इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव पार्टिकल, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद मैंने आपको कल सिखाया था शेल यानी कोस यानी ऑर्बिट। शेल कितने बताए थे, के एल एम एन, के में 2, एल में 8, एम में 18, एम में 32 का इलेक्ट्रॉन। और कल मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। कहां तक सिखाया था, 1 से लेकर 30 तक। एक बार रिवीजन, 1 से 10 तक सुनाओ। हाइड्रोजन 1 नंबर, हाइड्रोजन 2 नंबर, हीलियम 3 नंबर, लिथियम 4 नंबर, बेरिलियम 5 नंबर, बोरान 6 नंबर, कार्बन 7 नंबर, नाइट्रोजन 8 नंबर, ऑक्सीजन 9 नंबर, फ्लोरीन और 10 नंबर नियॉन। 10 क्लियर अगेन। 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन और 19 पोटेशियम एंड 20 कैल्सियम। ओके, अब 21 से 30 अगेन। 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 भूल गया, बोलिए याद दिलाइए, 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 फिरम भूल गए। अब क्लास में सुना सुना है तो भूल तो जाएंगे। 29 कॉपर और 30 नंबर फिर से बताओ जिंक। तो 30 लोगों के बारे में पूरी जानकारी हो गई थी। आज मैं सिखाऊंगा आवर्त संख्या और वर्ग संख्या ज्ञात करना। आवर्त कैसे निकाला जाता है, एक लाइन बोलूंगा, आवर्त आप चुटकियों में निकाल लेंगे कि किसी तत्व की आवर्त संख्या, किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके बाह्य कोष की मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। किसी तत्व की आवर्त संख्या उसकी मुख्य क्वांटम संख्या, बाह्य कोष की नहीं, उसकी मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। किसी तत्व की आवर्त संख्या उसकी मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। मैं दिखाता हूं कैसे, कोई भी नंबर बोलिए। चलिए 5, चलिए 7, चलिए 9, फिर कौन 11, फिर कौन 15, फिर कौन 17, फिर कौन 19, फिर कौन 20। अब इसमें से कोई सवाल आपसे पूछ देगा, ठीक बताइए 5 नंबर कौन, बोरा, 7 नंबर कौन, नाइट्रोजन, 9 कौन, फ्लोरीन, 11 कौन, सोडियम, 15 कौन, फास्फोरस, 17 कौन, क्लोरीन, 19 कौन, पोटेशियम और 20 कौन, कैल्सियम। अब आपसे इसमें आवर्त संख्या पूछी गई, सपोज करो 15 की, हम आपको इतने सारे सिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले वही तरीका विन्यास का, ऐसे बना लो के एल एम और एन। उसके बाद एक और कॉलम बढ़ाकर आवर्त संख्या, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो 5 का के में एल में, 7 का के में एल में, 8 का वो 9 का के में एल में, 11 का के में एल में एम में, 15 का के में एल में एम में, 17 का के में एल में एम में, 19 का के में एल में एम में और एन में, 20 का के में एल में एम में और एन में। ठीक, गिनती आती है सभी लोग, गिनती 10 तक आती सुनाओ, घर से बोलो याद करवा जाए, 1 2 3 4 5 6, इतनी तो आती होगी, लो आवर्त निकल जाएगा। 1 2 आवर्त संख्या 2, 1 2, 1 2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कुछ लोग सोच रहे हैं गिनती कैसे गिनते हैं, गिनो यार गिनो, 1 2 3 4, आवर संख्या कितनी हो गई 4, 1 2 3 4, आवर संख्या कितनी हो गई 4, 1 2 3 कितनी हो गई 3। बात सबको समझ में आ गई, तो किसी तत्व की आवर्त संख्या उसकी मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। इतनी बात सभी लोग उतार लें। अब और ध्यान से पढ़िएगा, किसी तत्व की वर्ग संख्या ज्ञात करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें रूल आ जाते हैं कि किसी तत्व की वर्ग संख्या 3 नियमों की सहायता से ज्ञात की जाती है।
नियम नंबर एक, जिन तत्वों में सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं, जिन तत्वों में सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं, पूर्ण कितने से होते हैं बताइए, 2 से 8 से 18 से या 32 से, जिन तत्वों में सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं उनकी वर्ग संख्या शून्य होती है। तो पहला नियम, अब यहां पर समझो रहे कैसे नियम लिखे, बताओ नियम लिखेंगे क्या, तो इसीलिए कह रहे आओ घर पे नोट्स ले जाओ, क्यों भैया जग जाओ, क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हमें कर रहे, जल्दी जगो फटाफट काम आगे बढ़े। किसी तत्व की वर्ग संख्या, जिन तत्वों में सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं उसकी वर्ग संख्या शून्य होती है। उदाहरण बताओ, जैसे 2 नंबर 10 नंबर 18 नंबर चेक कराओ, 2 कौन हीलियम 10 कौन नियान 18 कौन आर्गन, बोलो केमें 2 10 का बोलो केमें 2 और एल में 8 18 बोलो केमें एल में एम में। ऑडियंस अच्छी वाले जो बैठी है घरों पर बैठी है, हाँ बेटा वीडियो भी देख रहे हैं पिक्चर भी देख रहे हैं, हाँ टीवी चला बैठे पकौड़ी भी खा रहे हो, कोई बात नहीं मजा ले लो, जिंदगी में ये भी नहीं सोचा होगा, अलादीन के चिराग की कहानियां सुनी होंगी, कॉमिक्स में देखी होंगी, आज बहुत मजा आ रहा होगा अलादीन का चिराग ऐसा, और जिन ने आया क्या हुक्म है मेरे आका, बोले केमिस्ट्री शुरू करी जाए और तुरंत उंगली करी वीडियो में और जिन आपका प्रकट हो गया और एक डायलॉग बोला गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाबा इवनिंग है तब भी गुड मॉर्निंग बोलनी पड़ रही, वाह देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, गोमती होती गई आज देखो हालात क्या हो गए, मोबाइल मना करा गया, मोबाइल लाना अलाउ नहीं है, वाह जिन्होंने अच्छाइयां सिखाई आज बुराइयां सिखा रहे, मोबाइल रखना जरूरी है वरना वीडियो नहीं दिखाई पड़ेगी, मोबाइल में ऐप डाउनलोड जरूरी है वरना आपको वीडियो नहीं पाई सुनाई जाएगी, इसीलिए लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है, ना किसी चीज को इतना ज्यादा करो कि वो हावी हो जाए, ना इतना कम करो कि वो बिल्कुल दूर चली जाए, तो बैलेंस होना चाहिए, कुल मिलाकर पकौड़ी खाते जाओ, चाय पीते जाओ, कान में ईयरफोन लगाए जाओ और हमारी बात मन लगा के सुनते जाओ। चलो भाई सुनो, चेक करो बाहरी को, पहले बाहरी भीतरी को जानते हो, चलो वो भी सीख लो, नियम नंबर 18 बाहरी 8, तो सबसे बाहर होता है वो बाहरी, उससे पिछले वाला होता है भीतरी, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने 8, कितने 8, कितने 2, तो जिनके पास 2 होते हैं 8 होते हैं 18 होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम की तो मैं आपको बता चुका था कि जिन तत्वों में केवल एक ही कोष होता है वही क्या होता है बाहरी और वही क्या होता है भीतरी, इसलिए 2 नंबर को ही स्थायी माना जाता है, जैसे हम कहें हीलियम के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन आप कहोगे 2, हम कहें भीतरी कोष में इलेक्ट्रॉन तब भी आप कहोगे 2, क्यों कहोगे 2, क्योंकि उसमें एक ही कोष है, वही उसका क्या है बाहरी, वही उसका क्या है भीतरी, इसलिए हीलियम की वर्ग संख्या क्या हो गई 0। इसमें आप कैसे बोलोगे बाहरी कितने 8, भीतरी कितने 2, वर्ग संख्या कितनी हो गई 0, बाहरी कितने 8, भीतरी भी कितने 8, वर्ग संख्या कितनी हो गई 0। तो जिन तत्वों में सभी कोष पूरे भरे होते हैं उनकी वर्ग संख्या शून्य होती है। दूसरा नियम सुनिए, जिन तत्वों में केवल बाह्य कोष अपूर्ण होता है, केवल बाहरी कोष इनकम्प्लीट होता है, उसकी वर्ग संख्या बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। एक बार फिर कान हमारी तरफ लाओ, हम चिल्ला रहे हैं, रेट ज्यादा टाइट न लगाना, मेरी आवाज बहुत तेज है, कि जिन तत्वों में केवल बाह्य कोष अपूर्ण होता है उसकी वर्ग संख्या बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जो उसे बोल दो, बोले 5 नंबर ठीक, नंबर 8 ठीक, नंबर 13 ठीक, नंबर 17 ठीक, नंबर 19 ठीक। चलो पहले नाम बताओ, 5 नंबर कौन बोरान, 8 नंबर कौन ऑक्सीजन, 13 नंबर कौन एल्युमिनियम, 17 नंबर कौन क्लोरीन, 19 नंबर कौन पोटेशियम। 5 का बनाओ 2 3, 8 का बनाओ 2 6, 13 का बनाओ 2 8 और 3, 17 का बनाओ 2 8 7, 19 का बनाओ 2 8 8 1। विन्यास तो सीख ही गए हो, यहां तक था नियम नंबर 1 और यहां से सिखाना है नियम नंबर 2, इसीलिए नोट्स देना जरूरी है। बोलो ऑक्सीजन नंबर 8, नंबर कौन परमाणु क्रमांक, एल्युमिनियम नंबर 13, क्लोरीन नंबर 17, पोटेशियम नंबर 19, चेक कराओ। 5 का क्या बना, के में 2, एल में 3, 8 का बनाओ के में 2, एल में 6, 13 का बनाओ के में 2, एल में 8, एम में 3,
गिनती गिन लो बाहर वाले कोर्स में गिनो कितनी आई, तीन कितनी आई, छह कितना आया, तीन कितना आया, सात कितना आया, ये बताओ कौन सा वर्ग आया, थर्ड ए, कौन सा आया सिक्स ए, कौन सा आया, कौन सा आया थर्ड ए। हमने प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर हम भी डाल देंगे, ये कौन आया सेवेंथ ए और ये क्या आया फर्स्ट ए। ठीक ऑडियंस, आई होप इंटेलिजेंट ऑडियंस बैठी है, इंटरनेट पर रिजल्ट आया है, खूब सारी मिठाई खाई होगी, खिलाई होगी, बहुत सारे गिफ्ट मिले होंगे, पापा ने रिश्वत दी होगी कि फर्स्ट आओगे तो घड़ी देंगे, साइकिल देंगे, हवाई जहाज देंगे, स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे। अब तो मोबाइल का भी जलवा मिल गया, ऑप्शन मिल गया, पापा पापा मोबाइल दिलाओ, सब्जी ने कहा है अगर मोबाइल नहीं दिलाओगे तो हम आईएएस बनने से वंचित रह जाएंगे। पापा ने पूछा क्यों, बोले अगर मोबाइल नहीं दिलाओगे तो सब्जी का अलादीन का चिराग हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो मोबाइल भी जरूरी हो गया। जिंदगी तो बेटा तुम्हारे लोगों की खूब बढ़िया चल रही है, जलवे में लॉकडाउन का पूरा मजा तो तुम ही लोग ले रहे हो। ठीक, अब थोड़ा मजा कम करके थोड़ा इधर पर आ जाओ। पांच नंबर के में दो, एल में तीन, आठ नंबर के में दो, एल में छह, तेरह नंबर के में दो, एल में आठ, एम में तीन, सत्रह नंबर के में दो, एल में आठ, एम में सात, उन्नीस नंबर के में दो, एल में आठ, एम में आठ और एन में गया ए। तो मैंने आपको बताया था आवर्त लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आवर्तों की संख्या कितनी होती है सात। ये मैंने आपको हाई स्कूल में बताया था कि मेंडलीव की आवर्त श्रेणी में आवर्त कितने हैं सात, आधुनिक आवर्त श्रेणी में आवर्त कितने हैं सात, दीर्घ आवर्त श्रेणी में भी आवर्त कितने हैं सात, मेंडलीव की आवर्त श्रेणी में वर्ग कितने हैं आठ, आधुनिक आवर्त श्रेणी में वर्ग कितने हैं नौ, आठ वर्ग और एक शून्य मिलाकर टोटल हो गए नौ वर्ग, और दीर्घ आवर्त श्रेणी में टोटल कितने होते थे 18। आवर्त श्रेणी में आपको सिखाएंगे फिलहाल। अब ये तो हो गया शून्य वर्ग, आपको सिखाई चुके हैं शून्य में ए और बी लगता नहीं है। ठीक, इसमें आपने देखा भारी कोष में अपमान कितने तीन, तो क्या हो गया थर्ड ए, भारी कितने छह, क्या हो गया सिक्स ए, भारी कितने तीन, कितना हो गया थर्ड ए, भारी कितने सात, कितना हो गया सेवेंथ ए, भारी कितना ए, क्या हो गया फर्स्ट ए। बात सबको समझ में आ गई। अब मैं पूछूंगा आपसे कि इसमें आवर्त बताओ, फटाफट टिक मारो, एक दो तीन, आवर्त तीन, सत्रह का आवर्त बताओ, एक दो तीन, नहीं समझ में आ रहा उंगली कर रहे यार, एक दो तीन, तो आवर्त कितने हुए तीन, वर्ग कौन सा हुआ सेवेंथ ए, इसका बोलो एक दो तीन चार, आवर्त बोलो चार, और वर्ग कितना हो गया फर्स्ट ए। कॉन्सेप्ट क्लियर, इतना बता लो। अब तीसरा रूल बहुत ध्यान से पढ़ना, अब जो भी सोच रहा हूँ सर्दी हर बार तो ध्यान से पढ़ना यार, क्या करें, इलेवेंथ क्लास हाई स्कूल से सरल है, बस अब तक जिसने कायदे से पढ़ लिया उसके लिए सरल है। तो रूल नंबर थ्री बहुत इजी है, अगर दिमाग से आपने पढ़ा, जोड़ घटाने का सवाल है, यहां तो सुनिएगा कि जिन तत्वों में बाहर के दो कोष, जिन तत्वों में बाहर के दो कोष अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, उनकी वर्ग संख्या, उनकी वर्ग संख्या बाहर के दोनों कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस आठ के बराबर होती है। बाहर के दोनों कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस आठ के बराबर होती है, लेकिन अगर यह अंतर आठ से अधिक जैसे नौ दस ग्यारह निकल कर आए तब भी वर्ग संख्या आठ यानी का एर्थ ही होती है। ठीक, अभी मैं आपको सिखाता हूं, जैसे आप बोलोगे 21 से 30 तक हमने आपको सिखाया था, जो आपकी मर्जी हो रहे हो 21 23 24 27 29 30, और बोलो 21 नंबर स्कैंडियम, 23 नंबर वैनेडियम, 24 नंबर क्रोमियम, 27 नंबर कोबाल्ट, 29 नंबर कॉपर, 30 नंबर जिंक। मेरे लाल लजवाना नहीं बनना, कहीं पर तक पूछ जाके समझ लेना और गिरेगा क्या तुम्हारे घर पे। ठीक, और रात में भूत बन के डराएंगे, तो मोबाइल कोई भी जुगाड़ जुगाड़ खेलो लेकिन भूत बन के हम तुम्हें डराने आएंगे, तो ध्यान पढ़ना बहुत कायदे से। फिर देखो लगवाओ, के में दो, एल में आठ, गया दो, तो दो आठ दस और दो बारह, बारह नौ इक्कीस, तेईस का बोलो, के में दो, एल में आठ, गया दो, दो आठ दस, दस दो बारह, बारह और ग्यारह
23 24 क्या था अपवाद भूल गए हां बेटा पकौड़े खा रहे हो भूल जाओ ठीक बोलो के में एल में एन में गया एक तो 2 8 10 10 और 1 11 कितना आया 13 फिर से नॉर्मल आ जाओ 27 का के में एल में गया 2 2 8 10 10 2 12 12 15 27 ठीक 29 फिर अपवाद पे आ जाओ बोलो के में एल में गया 1 2 8 10 और 1 11 11 18 18 29 30 में फिर नॉर्मल आ जाओ के में एल में गया 2 आया कितना 18 विन्यास सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में अब आयो अब अर्थ निकालो अच्छा चलो छोटे शुरुआत करते हैं टीम पाल लेना 1 2 3 4 अब अर्थ 4 1 2 3 4 अब अर्थ 4 1 2 3 4 अब अर्थ 4 1 2 3 4 सभी चौथे अवर्त के पहला कॉन्सेप्ट क्लियर अब वर्ग सीखिए कि बाहर के दोनों कोशों को जोड़ो बाहर के कर लो बाहर के दोनों कोशों को जोड़ो यह फोन से वाले पत्नी डाली और सुनो बाहर के दोनों कोशों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ो और उसमें से आठ घटा दो बोलो 9 2 11 गए आते हैं हाफरली एग्जाम में इतना आप लोग उतार लें अब आए अब आपको मिसलेनियस हम क्वेश्चन सिखाएंगे सही है अभी तक एनटीएसएसपी वाले पढ़ते थे अब यूट्यूब पर पब्लिक देख रही है तो सुन रही है एनटीएसएसपी सर में समझी क्या पढ़ा रहे हैं सही है सब लोग मजे ले लो क्या सबके अच्छे अच्छे दिन चल रहे हैं स्टूडेंट के तो काफी अच्छे चल रहे हैं जो स्टूडेंट मान लो एनटीएसएसपी के नहीं भी पढ़े चलो कम से कम उन्हें भी पढ़ाने का मौका हमें मिल रहा है धन्यवाद अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो एनटीएसएसपी से जुड़िए और अपने संगी साथियों को जोड़िए एनटीएसएसपी में आने के बाद कोई भी स्टूडेंट कभी डिसअपॉइंट नहीं होता जिंदगी में कभी हारता नहीं है चाहे वो जिंदगी की जंग हो चाहे पढ़ाई की जंग हो और एक आइडियल स्टूडेंट बनकर निकलता है लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता अगर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर भी चलोगे तो जो अदर लोग भी हैं जो आज तक एनटीएसएसपी में कभी नहीं पढ़े हैं और हमेशा एनटीएसएसपी के लिए गलत गलत बातें ही सुनी है क्योंकि आलोचना भी उसी की होती है यहाँ पर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो इन चीज़ों का हम लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों की टीम बहुत बड़ी टीम है एनटीएसएसपी फैमिली एक बहुत ही बड़े परिवार का नाम है जो 20 साल से सजापुर के अंदर एक मुकाम हासिल किए हुए है और पढ़ाया हुआ बच्चा आज बहुत बहुत जगहों पर बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर मेरे पास शायद टाइम कम पड़ जाए शब्द कम पड़ जाए ऐसी ऐसी जगहों पर आज हमारा स्टूडेंट है और मुझे इस बात का बहुत प्राउड है कि एक चुंगी वाले स्कूल से एक गवर्नमेंट कॉलेजेस से और यूपी बोर्ड से पढ़कर स्टूडेंट्स ने अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए हैं बसरते एक जिद पाली है एक जुनून पाली है और अगर आपके अंदर जिद और जुनून दोनों चीजें हैं तो आप जिंदगी में कोई भी काम कर सकते हैं बस सुनिए सबकी करिए मन की बसरते वो काम आपके द्वारा किया गया बिल्कुल सही हो
बाकी आप कुछ भी करोगे, आप मैथ लोगे तो लोग बोलेंगे बायोलॉजी क्यों नहीं ली, आप बायोलॉजी लोगे तो लोग बोलेंगे मैथ क्यों नहीं ली, अगर आप दोनों ले लोगे तो लोग बोलेंगे आर्ट साइंस क्यों नहीं ली, आपने आर्ट साइंस ले ली तो लोग बोलेंगे कॉमर्स क्यों नहीं ली। तो ये लोग कौन है? ये लोग वो है जो इंतजार करते हैं आपकी आलोचना करने का। तो इनको दूर हटाइए, अपने दिल की आवाज सुनिए, आपको किस क्षेत्र में जाना है, क्या चुनना है। सब इजी है, सब टफ है, जिसको आप बढ़िया पढ़ोगे वो इजी बन जाएगा। अभी मैं एक सवाल बहुत कठिन लगाऊंगा वो आपका कठिन हो जाएगा, उसको मैं दो मिनट में लगा दूं या दो सेकंड में लगा दूं वो इजी बन जाएगा। तो ये आपके समझने का फर्क है, सोच समझ कर करियर को चुनिए। मैं मिसलेनियस को सवाल बोल रहा हूँ, जैसे पेपर में सवाल आया और स्कूल के मैडम या मास्टर जी ने कहा परमाणु क्रमांक 17 की आवर्त सारणी में विवेचना करो, घड़ी देखकर 10 सेकंड नहीं लगे, जल्दी हो बोलो 2 8 7 हो गए विवेचना, बोलो 1 2 3 आवर्त 3 वर्ग बोलिए 7, यानी इसका आवर्त कितना हुआ 3 और वर्ग क्या हो गया 7/8। ठीक, जो मुंह से निकाल दे हुआ ठीक। 24 नंबर का बताइए, 24 24 के में एल में एन में, तो 2 8 10 और 11 13 कितने हो गए 24, मारो टेक 1 2 3 4। मेरे कुछ स्टूडेंट हाथ में बोर्ड पर मारने लगे हैं, तो वो लोग जरा धीमे धीमे मारा करें, हमारी आदत पड़ी हुई है, वरना हाथ में फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है, मेरी आदत पड़ी है। ठीक है, तो 13 और 14 14 में गए 8 मैं बचे 6, यानी क्या हुआ 6 भी चेक करिए 1 2 3 4 आवर 4 आवर 4 और भर क्या हो गया 6 भी। और जो बोलो हाँ हाँ घर से बोलो आवाज आ रही है, हाँ बोलो बोलो कितना 15 15 लो बोलो 2 8 5 तो खुश हो जाओ। अरे जानी अब तो खुश हो जाओ, अब चीजें समझ में आने लगी होंगी, अरे और मजा आएगा। फिर 1 2 3 आवर्त बोलो 3 बल बोलो कौन आया 5 क्या हो गया 1। अब एबीसीडी भी सिखाए तो सीखो भी 1 से लेकर 20 तक सब में क्या लगाओगे 1, 21 से लेकर 30 तक सब में क्या लगाओगे 2। सवाल लगाइएगा, कहीं पर कोई दिक्कत आए हमसे पूछिएगा, आराम से पढ़िए, फर्स्ट होके पढ़िए, फर्स्ट ईयर बहुत मजेदार होगा, स्कूलों में झंडे गाड़ोगे, नाम रोशन करोगे अपने माँ बाप का, अपने परिवार का और NTSSP का। बस एक विनम्र निवेदन फिर मैं कहना चाहूंगा, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट रिजल्ट निकलने के बाद थोड़ा सा भटक जाता है, कुछ एटीट्यूड आ जाता है, कुछ ईगो उसका बढ़ जाता है, उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया हाई स्कूल को जीत कर। हाई स्कूल आपकी जिंदगी का पहला पड़ाव था, अब दूसरे पड़ाव में आप आ रहे हैं और अब आपकी लाइफ में डाइवर्जन आएगा अगर आपने निर्णय सही नहीं लिया। तो चुनिए बायोलॉजी या मैथ में से एक सब्जेक्ट को और मन लगाकर उसके ऊपर मेहनत करिए, ट्रायल करिए कि आप इसको अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं, और अपने मन की सुनिए, लोगों के चक्कर में मत पड़िए कि लोग आपसे कह रहे हैं मैथ लो या बायोलॉजी लो, जो आपका मन करे आप वो लीजिए। दोनों ही सब्जेक्ट बहुत पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने संगी साथियों को NTSSP SPN चैनल से जोड़िए, और अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी ये भी है, बस यहाँ पर कमजोरी है कि हमें 3 नियम लिखाने चाहिए, वो मैं नहीं लिखा सकता क्योंकि वीडियो 1 घंटे का बनाएंगे आप नहीं देखेंगे, वीडियो में टाइमिंग को देखकर बनाया जाता है, मैंने समझा दिया। आइए 5 से 6 हम आपको NTSSP में मिलेंगे, 2 फोटो लेकर आइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और हमसे नोट्स लेकर जाइए, नोट्स से स्टडी करिए, वीडियो को देखकर उस चीज को समझिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल एक नए वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का वीडियो हमारा आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न, कल हम लोग पढ़ाएंगे परमाणु संरचना आधुनिक। थैंक यू।